वेलकम टू द फिल्म बॉय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं तमिल लैंग्वेज का मूवी फेमस सुपरस्टार थलावेटी विजय का अपकमिंग मूवी बीस्ट। ट्रेलर के ऊपर डिटेल्स रिव्यू करेंगे। मूवी तमिल लैंग्वेज पे आएगा और जो ट्रेलर रिलीज की गई है भाई साहब, मूवी 13 अप्रैल 2022 को रिलीज होगा। बीस्ट एक तमिल एक्शन ड्रामा और रोमांस फिल्म होने वाला है, डायरेक्टेड बाय नेल्सन दिलीप कुमार। फिल्म पे कास्टिंग की बात करें तो थलावेटी विजय और पूजा हुज लीडिंग रोल रहेगा। बीस्ट की डबिंग वर्जन तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी पे आएगा। वही अगर बात करें हिंदी पे नाम की तो बीस्ट रो के नाम पे आएगा। ट्रेलर की स्टार्टिंग पे हमें कॉल रिंग हुआ दिखाया जाता है और सीधा मॉल का सीन दिखाया जाता है। बेसिकली ये एक हाईजेक के ऊपर होने वाला है जो ईस्ट कोस्ट मॉल ऑफ चेन्नई को टेररिस्ट हाईजेक कर लेता है। जोरदार गोलियों की बारिश किया जाता है जैसे सब हाईजेक मूवीज पे होता है। और फिर दिखाया जाता है कि एक गवर्नमेंट एजेंट यानी सुपरस्टार विजय का एंट्री होता है। सिनेमेटिक एंट्री होता है रिवेलिंग फेस ऑफ विजय थलावेटी। फिर फ्लैशबैक एंड बैक स्टोरी दिखाया जाता है पास्ट ऑफ स्पाई विजय। बैक स्टोरी काफी तगड़ा होता है विजय का एज एन स्पाई इन द मिशन। पास्ट का रिकैप देते हुए दिखाते हैं कि हाउ ही वाज एज एन एजेंट। करे 3 मिनट के ट्रेलर पे विजय थलावेटी का स्पाई मिशन और जर्नी को ही दिखाया जाता है, लैंड मिशन से लेके फाइटिंग सीन से लेके जेट चलाने तक। बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट स्पाई का वाइब देते हैं जस्ट लाइक जेम्स बॉन्ड। देखने लायक होगा कि सिर्फ मॉल का रेस्क्यू सीन ही दिखाते हैं या बाकी मिशन को भी दिखाएंगे या सिर्फ फ्लैशबैक होता है बाकी मिशनों का। मूवी पे काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग सीन्स होना चाहिए, वही रोमांस और थोड़े से ड्रामा भी होने का चांसेस है। ब्रूटल फाइट सीन्स और काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नोट्स के साथ यह मूवी फैंस के दिल पे राज करने वाला है। पॉलिटिकल सीन्स भी दिखाए जाते हैं 20-20 पे। बाकी मूवी रिलीज़ होगा और थिएटर पे आएगा तभी पता चलेगा कितना दम है मूवी पे। काफ़ी टाइम के बाद एक सोल्जर रिलेटेड मूवी स्पाई मूवी आ रहा है तो आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच मूवी इन थिएटर। आप लोग बताइए क्या आप भी एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेके इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।